नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जो भी अब वीडियो बन रहा है वो एंटीनेट एग्ज़ाम को टारगेटेड करके बन रहा है। तो हम लोग जनसंख्या के बारे में पढ़ रहे थे पिछले 3 दिनों से। तो आज हम नेक्स्ट वहाँ से जहाँ कल हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने शुरू ख़त्म किया था वहाँ से शुरू करेंगे। तो हम लोगों ने वहाँ पे देखिए पढ़ लिया था अशोधित जन्म दर, हम लोगों ने पढ़ लिया था लास्ट में। और उसके आगे हम आज यहाँ से सामान्य प्रजनन दर के बारे में पढ़ेंगे। तो सामान्य जनरल फर्टिलिटी रेट, इसका क्या संबंध होता है, इसका मतलब है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका संबंध है वर्ष भर यानी एक वर्ष में सजीव जन्मे बच्चों की संख्या को, यानी एक वर्ष में सजीव जन्मे बच्चों की संख्या को संतानोत्पादन आयु वर्ग की स्त्रियों की संख्या से, संतानोत्पादन आयु की वर्ग की स्त्रियों की संख्या से डिवाइड करने पर 1000 से मल्टीपल कर देंगे, तब आपका कुल प्रजनन दर क्या होगा मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अशोधित जन्म दर और सामान्य प्रजनन दर में देखिए थोड़ा डिफरेंस देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कुल जनसंख्या है बोली थी, एक वर्ष में कुल जन्मित यानी वर्ष भर जो है कुल जन्मित और कुल जनसंख्या, लेकिन यहाँ पर एक वर्ष में सजीव जन्म जनसंख्या लोगों की संख्या है बट संतानोत्पादन आयु वर्ग की जो स्त्रियाँ हैं उनसे डिवाइड किया जाएगा तो सामान्य प्रजनन दर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट बच्चों की उन संख्या से है जो स्त्री की संपूर्ण प्रजनन काल में क्या होती है उत्पन्न है होती है, यानी बच्चों की उन संख्या जो स्त्री है उसके संपूर्ण प्रजनन काल। देखिए प्रजनन काल के लिए मैंने आपको बताया था 15 कितना बताया था मैंने पिछले, दिखा देता हूँ आपको 15 to 49 मैंने आपको बताया था। हाँ यस, 15 to 49 मैंने आपको बताया था प्रजनन आयु जो होती है स्त्रियों की। ठीक है। तो कुल प्रजनन दर यहाँ पे देखो बोला गया है संपूर्ण प्रजनन काल में जो गिवन जो बच्चे होते हैं बच्चों की नंबर जो बच्चों की संख्या होगी वो उसका क्या कहा जाएगा कुल प्रजनन दर फर्टिलिटी, इसी के आधार पर निकाला जाता है। स्त्री के पूरे कार्यकाल में देखो 3 बच्चे अगर है, देखो एग्जांपल मैंने एक समझा दिया था, अगर स्त्री के पूरे कार्यकाल में जैसे 15 to 49 के एक समय में अगर उसने 3 बच्चे प्रोवाइड किए हैं तो उसकी जो फर्टिलिटी रेट होगी वो होगी 3 ही होगी। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कुल प्रजनन दर के बारे में। नेक्स्ट आता है मृत्यु दर। मृत्यु दर देखिए मैंने यहाँ पे काट दिया था, ये नहीं है, आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट है शिशु मृत्यु दर। मृत्यु दर नहीं, शिशु मृत्यु दर पहले हम जान लेते हैं। शिशु मृत्यु दर क्या होता है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। देखिए अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट के थ्रू, मैं उसको दोबारा समझा दूंगा। ठीक है। वैसे मैं प्रयास कर रहा हूँ कि धीरे धीरे ही आपको बताऊँ और अच्छा बताऊँ। शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, इसका तात्पर्य एक वर्ष से कम आयु की जो मृत्युओं से है, यानी जो एक वर्ष से जो कम के जो बच्चे होते हैं जो शिशु होते हैं उनकी जब मृत्यु होती है उनकी मृत्यु की जो आंकड़े निकाले जाते हैं शिशु मृत्यु दर कहा जाता है, इससे आशय शिशु मृत्यु दर से है। नवजात शिशु मृत्यु दर क्या होता है, नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट। नवजात शिशु मृत्यु दर नियो मॉर्टेलिटी रेट, नेटल मॉर्टेलिटी रेट, इसका क्या है, इसका संबंध 1 माह से कम आयु के जो बच्चों की मृत्यु संख्या से है, यानी जो 1 वर्ष से जो कम आयु के जो बच्चे हैं उनकी मृत्यु की संख्या से है नवजात शिशु मृत्यु दर। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट माइन्यूट चीज़ें हैं। शिशु मृत्यु दर में आप ऐसे याद करिएगा, शिशु मृत्यु दर में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे इतनी सारी, लेकिन आंकड़े कंफ्यूज नहीं, आप अगर कहते हैं अगर आप टेक्निकली अगर आप अच्छे से याद करते हो तो आप श्योर आपको याद होगा, और लेकिन अगर आप रटते हो तो आपको याद नहीं होगा, ये ध्यान रख लीजिए आप। शिशु मृत्यु दर को देखो कहा गया शिशु जिसे किसे माना गया, 1 वर्ष से कम के लड़कों को मैंने पिछले भी बताया था पिछले वीडियो में भी कि शिशु जो माना जाता है वो 1 वर्ष से कम जो बच्चे होते हैं उन्हें शिशु माना जाता है, यानी सॉरी 5 वर्ष, जबकि जो नवजात शिशु होते हैं वो 1 माह से जो कम के जो आयु के जो बच्चे होते हैं वो होते हैं नवजात शिशु।
तो एक माह से कम आयु के जो बच्चों की मृत्यु संख्या है और एक वर्ष से जो कम आयु की मृत्यु की संख्या है, शिशु मृत्यु दर और नवजात शिशु मृत्यु दर। अब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है मातृत्व मृत्यु दर। मातृत्व मृत्यु दर यानी मैटरनल मॉर्टेलिटी, यानी शिशु शिशु जन्म के समय जिन माताओं या स्त्रियों की जो मृत्यु हो जाती है उनके आधार पर जो रेट निकाला जाता है रेशियो, वो होता है मातृत्व मृत्यु दर। शिशु जन्म के कारण स्त्रियों की मृत्यु होना मातृत्व मृत्यु दर। आई होप समझ में आ गया होगा इतना। अब आपको शब्दावली देखिए यहाँ पे अब कंप्लीट होती है। बस अब नेक्स्ट हम अब इसके बारे में जो भी क्या कहते हैं अब कुछ फैक्ट इसके संबंधित होंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आए भी हैं, वो आपको मैं बताना चाहूँगा। तो चलिए नोट करके हम देखते हैं। फर्स्ट है तो आपको फर्टिलिटी, प्रजननशीलता और संतान उत्पादन के बारे में बता देता हूँ कि अंतर क्या होता है। लगता दोनों वर्ड आप पढ़ोगे तो लगता है कि एक ही है, लेकिन प्रजननशीलता और संतान उत्पादकता में अंतर ये है कि जो प्रजननशीलता फर्टिलिटी जो होती है सजीव जन्मे बच्चों की आवृत्ति से आशय है इसका, यानी जो आवृत्ति यानी जो बार बार जो एक दो तीन चार ऐसे करके। लेकिन संतान उत्पादन का आशय है क्षमता से है। यहाँ पर आप बस यही सर्कल करिएगा, आवृत्ति से संबंधित प्रजननशीलता का है, जबकि जो संतान उत्पादन का जो संबंध है इसका क्षमता से है, यानी स्त्रियों के संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता से आशय है वो है संतान उत्पादकता, और प्रजननशीलता सजीव जन्मे बच्चों की आवृत्ति से है। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच ऐसे करके। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार देखिए कुछ मैंने फैक्ट रखे हैं जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। भारत में कस्बे की संख्या कितनी है, ये कितनी है 7935, ये आपको रट लेना है ऐसे। ठीक है, इसमें कुछ और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो 2011 के अनुसार ही सारे आंकड़े हैं जो मैं अब यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, भारत में कस्बे की जनसंख्या के अनुसार जनगणना देखिए अभी आपको मैं बताया था, अभी रुक जाता हूँ मैं बताने से पहले जनगणना में याद दिला देता हूँ। जनगणना मैंने आपको देखो बताया था पहली बार कब यूज़ किया गया था 1800, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था 1872 में, किसके कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरुआत हुई थी जनगणना की। जबकि जनगणना को नियमित संदर्भ में दशक आधार पर 10-10 वर्षों पर कब शुरू किया गया था, लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में, इतना आपको बताना चाहिए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार, अभी जनगणना नहीं हुई है 2011 के बाद, अब 2021 में होगा। तो ये चीज़ें, तो भारत में कस्बे की संख्या 7935 है, भारत में मलिन बस्तियों में रहने वालों की संख्या 65.49 मिलियन है। अगर मलिन बस्तियों को अगर आप देखोगे कि मलिन बस्तियां सबसे अधिक कहाँ हैं प्रदेश स्तर पर, तो महाराष्ट्र और दूसरे पर आंध्र प्रदेश, ये आपको रट लेना है। नेक्स्ट, सकल घरेलू उत्पाद GDP में वृद्धि अधिकतम किस में है, अगर पूछा जाए कि भारत में किस राज्य में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि अधिकतम है, तो वो है बिहार और दूसरा है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, अब आपको अगर जनसंख्या पूछी जाती है 2011 के अनुसार जनसंख्या सबसे अधिक तो उत्तर प्रदेश आपको पता है, सबको पता है ये चीज़, यूपी, और न्यूनतम अगर आपसे पूछे जाए तो हिमाचल प्रदेश फर्स्ट पे है, मतलब फर्स्ट का सेंस यहाँ पे न्यूनतम से है सबसे नीचा, और उसके बाद फिर क्रम आता है जम्मू कश्मीर और इसके बाद हरियाणा। मैं ये क्रम इसलिए दे रहा हूँ कि इसमें गैप कर देता है, कभी हिमाचल प्रदेश नहीं देगा और जम्मू कश्मीर और हरियाणा ही देगा, तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो, तो इसीलिए आप क्रम याद कर लीजिए। सबसे कम अगर आप देखोगे तो हिमाचल प्रदेश, उसके बाद जम्मू कश्मीर और फिर हरियाणा, इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राज्य घरेलू उत्पादों में सर्वाधिक वृद्धि, देखिए वहाँ पर सकल घरेलू राष्ट्रीय स्तर पर था, यहाँ पर राज्य घरेलू उत्पादों में सर्वाधिक वृद्धि तो कौन सा है, सिक्किम है। नेक्स्ट है साक्षरता दर, साक्षरता रेट यानी अधिकतम कहाँ पे, केरल, और सबसे न्यूनतम कहाँ है, बिहार में, इतना आप याद रखिए, और बिहार के बाद उड़ीसा सेकंड है, ध्यान रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण बुकें हैं जनसंख्या से संबंधित, जैसे परिवार नियोजन के परे, ऐसे बी बैरलसन ने दिया था, ये बहुत बार पूछा है क्वेश्चन, आप ऐसे रट लीजिएगा परिवार नियोजन के परे, अगर जनसंख्या के संदर्भ में अगर पूछता है कि ये टर्म किसने यूज़ किया है तो बी बैरलसन ने। जियोग्राफी ऑफ हंगर्स, ये कैस्ट्रो ने यूज़ किया। रेगुलेटरी रिप्रोडक्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, ये एन के बोस ने यूज़ किया, ए बोस। जेंडर इनइक्वलिटी, लिंग असमानता एंड डेमोग्राफिक बिहेवियर, जनसांख्यिकीय व्यवहार, ये के श्रीनिवासन ने यूज़ किया। दी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, किंग्सले डेविस ने, इतना हो गया।
नेक्स्ट हम आ जाते हैं, देखिए ये कुछ सिटीज़ और महानगर का नाम दिया गया है, इनको मतलब किसी राज्य को महानगर या शहर या बड़ा नगर कहा जाता है तो उसके कुछ आधार के आधार पर, उनकी जनसंख्या को आधार माना जाता है, तो जनसंख्या उनकी कितनी होती है उसी के आधार पर डिपेंड करता है कि महानगर है या शहर है। तो देखिए महानगर किस आधार पर, 10 लाख, अगर वो किसी भी देश किसी भी राज्य की जनसंख्या अगर 10 लाख से अधिक है, 10 लाख या इससे अधिक है तो उसे क्या कहा जाएगा, महानगर कहा जाएगा। अगर शहर है तो 1 लाख की जनसंख्या, 1 लाख की जनसंख्या अगर वहाँ की बस्ती है उससे अधिक है तो शहर कहा जाएगा, 50,000 की है तो बड़ा नगर, और नगरीयता तो 5,000 की जो बस्ती ये नगरीयता कहा जाएगा। आई होप अर्बनिज्म ये चीज़ है, और ये अर्बन, ठीक है, बिग अर्बन, इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है भारत में सर्वोच्च जनसंख्या घनत्व, तो अगर आपसे पूछा जाए तो बिहार की है, और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश की, ये आप याद रखिएगा। अगर आपको अल्पसंख्यक वर्ग पूछा जाए कि उसका आकार, तो पहली बात तो हिंदू आपको पता है सबसे ज़्यादा है, हिंदू धर्म के लोग सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन अल्पसंख्यक यहाँ पूछा जाए तो अल्पसंख्यकों में हिंदू नहीं आते हैं, उसके बाद जो आएंगे, तो इसका क्रम देख लीजिए थोड़ा, जनसंख्या के आधार पर मुस्लिम उसके बाद हैं सेकंड, एंड थर्ड ईसाई, फिर थर्ड है फोर्थ है, थर्ड है सिख, और थर्ड है फोर्थ है बौद्ध, और लास्ट है जैन। इतने अल्पसंख्यक वर्गों में सबसे कम जैन है और सबसे अधिक मुस्लिम है अल्पसंख्यक वर्ग में, आकार जनसंख्या के आकार के आधार पर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और जनसंख्या के संबंधित जो भी मटेरियल थी वो मैंने आपको यहाँ पे, बस इतना ही है और ज़्यादा नहीं है, जो भी डिटेलिंग होगी वो एग्ज़ाम के बाद होगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, बस इतना ही अब तक था, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट चीज़ें लेके। तो प्लीज़ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।